राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तुला और वृश्चिक राशि वाले के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंह और कन्या राशि के बारे में बताया था, आज मैं बताने आई हूँ आपके लिए तुला और वृश्चिक राशि के बारे में कैसा रहेगा स्वास्थ्य, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और कैसा रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए अप्रैल का महीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, पारिवारिक वातावरण भी उनका बेहतर रहेगा। हो सकता है अगर वह कुछ व्यवसाय को चेंजिंग करने की सोच रहे हैं या व्यापार को अपने बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उसमें उनको काफ़ी सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और आय के भी स्रोत उनको मिलेंगे। परिवार में कुछ हो सकता है मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है, योग बन रहे हैं जिससे उनके घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, परिवार का माहौल वातावरण काफ़ी सुखद रहेगा, स्वास्थ्य उनका पहले से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर अगर वह अभी तक परेशान चल रहे थे उसमें उनको राहत मिलती नजर आ रही है अप्रैल में। हो सकता है कि अगर परिवार में अगर आपकी किसी वजह से कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी आपको खुशी का कुछ समाचार प्राप्त हो सकता है या कुछ ऐसे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपके परिवार के जो कलह क्लेश है वह दूर हो सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह बेहतर जाने वाला है मंथ। हो सकता है कि परिवार विद्यार्थी वर्ग के लिए अब तक आप जिस तरह से अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे रहे थे या हो सकता है कि अपनी स्टडी को लेकर आप किसी वजह से कुछ चिंतित थे तो उसमें भी आपको राहत मिलती नजर आ रही है, आपकी सब चिंताएं दूर होंगी और आपकी सफलताओं के आपको 101% योग बन रहे हैं। आपको हर तरफ से सफलताओं की और आपको खुशियों के योग बन रहे हैं जिससे कह सकते हैं कि ये महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और खुशनुमा रहने वाला है। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों की ताकि उनकी ये खुशियां बरकरार रहे और आने वाला समय उनके लिए और भी ज्यादा खुशियों भरा और सफलताओं भरा साबित हो। तुला राशि वालों को शुक्रवार के दिन आपको 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए मीठा, जिससे आपकी हर परेशानियों में आपको निजात मिलेगी और हर सफलताओं को आप हासिल कर सकेंगे। तो ये था तुला राशि वालों के लिए क्या खास करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कह सकते हैं ये महीना आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है या कह सकते हैं जो अब तक जिन नवयुवकों की शादी नहीं हुई तो उनके शादी के योग बन रहे हैं। आपको आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा जीवन साथी आ सकता है जिसके लिए आप अब तक तलाश कर रहे थे या कह सकते हैं इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपके इस मंथ में हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं, आपकी शादी के योग बन सकते हैं या आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। साथ ही साथ ये नव दंपत्ति जिनकी जिंदगी में अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उनको भी संतान सुख के योग बन रहे हैं। ये उनके लिए काफी खुशनुमा मंथ कह सकते हैं, साबित हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। व्यापार वर्ग की बात करें तो व्यापार में आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। मंथ के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा पर मंथ के लास्ट में आपको अपनी इच्छाओं से भी बढ़कर सफलताओं के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपके मित्र या आपके ऐसे सहयोगी या कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपके मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफी लाभ दिलवा सकते हैं आपके व्यापार में, आपके लाइफ में। इसीलिए आपके लिए जो मंथ रहेगा मिला जुला रहेगा व्यापार के मामले में। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर अगर आप किसी वजह से अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे या आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रह रहा था तो आपके आपको उसमें भी राहत मिलती नजर आ रही है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह मंथ जोन सा है लास्ट में जाकर थोड़ा आप अपनी स्टडी को लेकर चिंताओं से आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी तरह की लापरवाही कर रहे थे तो उसमें आपको हो सकता है कि आगे चलकर आपको भी नुकसान का सामना करना पड़े। तो यही मेरी सलाह है, अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। लापरवाही मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी लाइफ जो पढ़ाई की तरह आपकी लापरवाही है वो आपको ही नुकसान दिला सकती है। क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को? वृक्ष राशि वालों को मैं यही कहूंगी कि आप अंध विद्यालय में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें या हो सकते हैं कोड़ियों को या अंध विद्यालय में जाके कुछ ना कुछ दान करते रहे।
और हनुमान जी के मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप मंगलवार शनिवार के दिन चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके व्यापार के लिए भी और आपकी स्टडी के लिए भी, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंथ और क्या करना चाहिए, क्या उपाय करके आप अपनी हर परेशानी से निजात पा सकते हैं, कुछ ये विशेष जानकारी लेकर मैं आपके लिए आई थी। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर आप किसी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा या आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं अपनी परेशानियों से तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर दिए नंबरों से, आप व्हाट्सएप पर मुझे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरी ये जानकारी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपके सलाहकार आपसे विदा लेती है। राधे राधे।